बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 क्लास 10 का टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गैल्वानोमीटर और एमीटर को डिस्कस किया था, दे आर द करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है विद द पैसेज ऑफ द टाइम, इलेक्ट्रॉन बेसिकली आर द चार्जेस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया था, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कहते हैं चार्जेस पर यूनिट टाइम, सो दिस इज़ कॉल इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर होता है, विच इज़ इक्वल टू द कूलम। कूलम इज़ द ऐसा यूनिट फॉर द चार्ज एंड टाइम इज़ द ऐसा यूनिट, सेकेंड इज़ द ऐसा यूनिट फॉर द टाइम। सो कूलम पर सेकेंड इज़ इक्वल टू द एम्पेयर एंड दिस इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ हम लोगों ने दो बीकरस ले लिए, बीकर वन एंड बीकर टू। इन बीकर्स जो है ये आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं। इन बीकर्स में हम लोगों ने वाटर ले लिया और वाटर का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। यानी दोनों बीकर्स में, बीकर वन में और बीकर टू में, वाटर का लेवल जो है वो सेम होना चाहिए। दोनों बीकर्स जो है वो यहाँ कनेक्टेड हैं विद दिस पाइप। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इन बीकर वन में वाटर जो है वो का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों बीकर्स में वाटर का लेवल जो है वो क्या है, सेम है। या यूँ कह सकते हैं दोनों जो बीकर्स हैं वो सेम हाइट पे हैं। अब अगर हमने इन दोनों बीकर्स में वाटर का फ़्लो करना है तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? हम अगर एक बीकर को सम हाइट पे रेस करें, थोड़ा इसकी हाइट ऊंची कर दें इस बीकर की, तो आप देखोगे कि वाटर जो है वो ईज़िली फ़्लो करेगा बीकर टू से बीकर वन की तरफ। यानी कि वाटर जो है वो फ़्लो कर रहा है इस बीकर को, आप क्या कहोगे, बीकर टू के, क्योंकि ये क्या है, हाइट पे है। तो इसे आप ये कहोगे कि ये जो वाटर है ये क्या है, बेसिकली हाई पोटेंशियल पे है। यानी वाटर जो है वो फ़्लो कर रहा है फ्रॉम द हाइट, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी ऐसे ही फ़्लो करते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको प्लेस करते हैं, तो आप ये देखते हो कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इजीली फ्लो करता है इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। लेट अस अज्यूम करें कि हमने यहाँ पे दो प्लेट्स ले ली हैं। इस प्लेट ए को हम कह देते हैं दिस इज़ हायर पोटेंशियल, और ये जो प्लेट बी है इसे हम कह देते हैं प्लेट बी विच इज़ एट लोअर पोटेंशियल। अगर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होगा, तो आप ये देखोगे कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑब्वियसली मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अगर आपने इस चार्ज को मूव करवाना हो फ्रॉम बी टू ए, यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराना हो, तो इसके ऊपर आप क्या परफॉर्म करोगे, वर्क डन परफॉर्म करोगे। क्यों आप इसके ऊपर वर्क डन क्यों कर रहे हो? क्योंकि दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसमें डिफरेंस है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जो आप किस पे परफॉर्म कर रहे होते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अमाउंट डन परफॉर्म कर रहे होते हो। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को हम यह देखेंगे कंडक्टर में किस तरह इस्टेब्लिश होता है और करंट किस तरह फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर एक कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर में क्या है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को, एंड ए और एंड बी को, हमने यहाँ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई कर रही है, बैटरी जो वोल्टेज सप्लाई कर रही है, वोल्टेज को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रही है उसकी वैल्यू क्या है, वी। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्योंकि एंड ए जो है वो कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एंड बी जो है वो कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो आप ये देखोगे कि एंड ई जो है वो क्या हो जाएगा, एंड ए हो जाएगा हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और एंड बी क्या हो जाएगा, दिस इज़ एट द लोअर पोटेंशियल। तो अब हम इस देखेंगे इस केस में कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो किस तरफ होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो वो किस तरफ मूव करेंगे, वो लोअर पोटेंशियल से रिपेल होंगे और मूव करेंगे टू द हायर पोटेंशियल। यानी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो किस तरफ होगी, फ्राम बी टू ए, फ्राम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है।
यानी इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो गया, एंड ए जो है वो हायर पोटेंशियल होगा और एंड बी क्या होगा लोअर पोटेंशियल, यानी बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इस्टेब्लिश्ड एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो हम ये देखेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जंप कर रहे हैं लोअर से हायर की तरफ। तो उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूस एनर्जी, या यूँ कह सकते हैं कि इस सर्किट में कॉन्टीन्यूस करंट का फ्लो जो है वो किस वजह से होगा, वो बैटरी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को उन चार्जेस के फ्लो को जो है वो क्या सप्लाई करेगी, एनर्जी सप्लाई करेगी। आपने ये पढ़ा है कि बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो वो जो केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और चार्जेस जब मूव करेंगे तो दे पोजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किधर से ले रहे हैं, बैटरी उनको प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, यानी खर्च हो रही है फ्रॉम द बैटरी। सो हम ये कह सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब मूव करेंगे फ्रॉम द लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो इन इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से क्या जनरेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट, यानी फ्लो ऑफ द चार्जेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप ये कह सकते हो कि इस कंडक्टर में से ईजिली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर रहा है। हम अगर यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बनाएं, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एरो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट कन्वेंशनल करंट को, विच इज़ ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसको कह सकते हो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह बैटरी जो है वो बैटरी किस तरह उन चार्जेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉन्टीन्यूसली क्यों, क्योंकि वो चार्जेस कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कॉन्टीन्यूसली अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, खर्च हो रही है। द फ्लो ऑफ द करंट कॉन्टीन्यूस एज लॉन्ग एज देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट जो है वो किस वजह से फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। अगर हम देखें कि कंडक्टर के दोनों एंड्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम हो गया है, तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। तो इसी वजह से करंट उस वक्त फ्लो करता है जब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, सो देयर इज़ नो फ्लो ऑफ द चार्जेस एंड देयर विल बी नो करंट। सो द एजेंसी विच प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ द करंट इन अ कॉपर वायर इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी जो है वो एक्चुअली क्या प्रोवाइड कर रही होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रही होती है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करता है, फॉर द स्टेडी कॉन्टीन्यूस करंट जो है वो फ्लो। द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, जो एनर्जी सप्लाई कर रही है बैटरी वो किस में यूटिलाइज हो रही है, इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस एंड इज डिसिपेटेड एट हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, रेजिस्टेंस कहते होते हैं रुकावट को, क्योंकि कंडक्टर्स में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं, और कोलिजन की वजह से क्या होगा, उस कोलिजन की वजह से जो है वो रेजिस्टेंस, उस कोलिजन को हम लोग बेसिकली क्या कहते होते हैं, कोलिजन कहते होते हैं, और वो कोलिजन के रिजल्ट में क्या होगा, उनकी मोशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। तो इसके रिजल्ट में, रेजिस्टेंस के रिजल्ट में हमेशा जो है वो हीट रिलीज होगी। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या होगी, यूटिलाइज हो रही है उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, और वो रेजिस्टेंस जो है वो उसके रिजल्ट में हीट एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर कॉजेज द डिसिपेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज द चार्जेस फ्लो थ्रू द सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी इसको कह सकते हैं, दैट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट में होता है और इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम फार्मूला देखें तो इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी बैटरी जो है वो क्या कर रही है, उन चार्जेस के ऊपर वर्क डन कर रही है बैटरी एक्चुअली, और वो जो चार्जेस हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है, दैट मूव फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अदर। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल का अगर फार्मूला देखें तो इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, और अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट, विच इज़ इक्वल टू जाउल डिवाइडेड बाय कूलम। सो जाउल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। वन वोल्ट को अगर हम डिफाइन करें तो वन वोल्ट क्या होगा, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वन वोल्ट अक्रॉस द बल्ब मीन्स दैट ईच कूलम्स ऑफ द चार्ज फॉर द वन एम्पेयर ऑफ द करंट दैट पासिस थ्रू द बल्ब कंज्यूम वन जाउल ऑफ एनर्जी।
यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस द कंडक्टर 1 वोल्ट उस वक्त होगा जब क्या होगा, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो की वजह से करंट कितना जनरेट होगा, 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर का करंट जो है वो उस बल्ब में से पास हो रहा होगा और कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, 1 जूल। तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ 1 वोल्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, EMF। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें।